निशानदेही पर जो चोरी की हुई कार थी उसको बरामद किया तथा इस कार के साथ साथ सात गाड़ियां टोटल हमने अब तक रिकवर की है। हैमर है, दो वॉकी टॉकी है, एक चार्जेबल ड्रिल मशीन है जिसकी सहायता से नंबर प्लेट को चेंज करता था तुरंत के तुरंत ही वहीं पर ही, चार पेयर नई बनाई हुई नंबर प्लेट। अगर आपको कोई सस्ते दाम पर गाड़ी बेच रहा हो तो आप सावधान हो जाइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कहीं ऐसा ना हो कि जो गाड़ी आपने खरीदी है वह चोरी की हो। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जैमर लगाकर पहले गाड़ियों को चोरी करते थे और उन्हें राजस्थान ले जाकर 1,00,000 रुपए में बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 7 गाड़ियों सहित गाड़ी की चाबी बनाने वाला डिवाइस जैमर सहित अन्य सामान बरामद किया है। अपराध शाखा सेक्टर 17 की टीम ने सरगना सुनील कुमार, जो कि पहले भी कई वाहन चोरी के मामलों में दिल्ली पुलिस के द्वारा तथा हमारे हरियाणा पुलिस के द्वारा और अपराध शाखा सेक्टर 17 के द्वारा भी गिरफ्तार किया गया है, इसको काबू किया। इसके निशानदेही पर जो चोरी की हुई कार थी उसको बरामद किया तथा इस कार के साथ साथ 7 गाड़ियां टोटल हमने अब तक रिकवर की है, जिनमें 2 ब्रेजा, 2 डिजायर कार, 1 क्रेटा, 1 WRV और 1 I-20 कार को बरामद किया। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा साथी है वो उदयपुर का रहने वाला अमित है, उसको भी हमने बरामद काबू किया और गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 फरवरी को पालम विहार थाना पुलिस को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, जिस मामले में अपराध शाखा सेक्टर 17 ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपी सुनील व अमित जांगिड़ को काबू किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि सुनील के खिलाफ पहले भी वाहन चोरी के कई मामले दिल्ली, गुरुग्राम सहित NCR में दर्ज हैं। अमित राजस्थान के जिला उदयपुर का रहने वाला है और चोरी की गाड़ियों को वह राजस्थान के जोधपुर में बेचता था। इन दोनों आरोपियों से अब तक टोटल 7 गाड़ियां बरामद हुई हैं तथा इसके अलावा इनसे एक चाबी बनाने वाला यंत्र, जो कि गाड़ी को चोरी करने के बाद एक उसका सॉफ्टवेयर से चाबी तैयार करता था, वो भी काबू की बरामद किया है। एक नेटवर्क जैमर है, 2 वॉकी-टॉकी है, एक चार्जेबल ड्रिल मशीन है जिसकी सहायता से नंबर प्लेट को चेंज करता था तुरंत के तुरंत ही वहीं पर ही, 4 पेयर नई बनाई हुई नंबर प्लेट, 1 शीशा तोड़ने वाला यंत्र है, 7 चाबियां हैं, 13 रिमोट की चाबियां हैं जो कि उस यंत्र की सहायता से तुरंत गाड़ी को दूसरी रिमोट से तैयार कर देता था और 1 टायर का लीवर भी बरामद किया है इससे। अभी इसके और साथियों की तलाश जारी है तथा मैं जो संभावना है मुझे कि हम जल्दी और भी गाड़ियां से बरामद करेंगे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि वह पहले गाड़ी का शीशा तोड़कर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाते थे, जिनके पास एक जैमर था जिससे वह GPS को हैक कर लेते थे। आपस में बात करने के लिए दोनों आरोपी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। वारदात को अंजाम देने से पहले ये सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ी की तलाश करते थे और रैकी करने के बाद गाड़ी चोरी करते थे। चोरी करने के तुरंत बाद ही ये गाड़ी की नंबर प्लेट भी बदल देते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी की ब्रेजा, डिजायर, क्रेटा, I-20 जैसी 7 गाड़ियां बरामद की है। इनमें से 4 गाड़ियां गुरुग्राम से चोरी की गई थी जबकि 3 गाड़ियां दिल्ली से बरामद की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का अनुमान है कि आरोपियों से कई बड़ी गाड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि आरोपी रिमांड के दौरान कितनी वारदातों का खुलासा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।